वेलकम बैक टू फिफ्थ डे इन वियतनाम. और आज हमने फ्लिपसाइड हॉस्टल छोड़ दिया, वापस हम जा रहे हैं अपने वियतनाम गाइड हॉस्टल पे. और आई विल गिव यू द कंक्लूजन कि कैसा रहा वहाँ पर. अगर आपको सुबह के 4 बजे तक पार्टी पसंद है देन इट्स फाइन, आप वहाँ रह सकते हैं. ब्रेकफास्ट ना ज़ीरो और वाईफाई कम्प्लीटली ज़ीरो. AC एंड एकोमोडेशन इज़ फाइन. रूम्स क्लियर थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, क्लीन थे. बट अगर आपको सोना है रात को दैट्स नॉट योर हॉस्टल. वहाँ पे सुबह के 4 बजे तक सामने हाईवे पे गाने बजते रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं सुन सकते. लेकिन अगर आपको सुबह के 4 बजे तक पार्टी करनी है स्टे फॉर वन डे और टू, नहीं तो फिर इतना अच्छा नहीं है. हाँ, बाकी योर चॉइस. जाने से पहले एक बार फुल रिसर्च कर लें और फिर हम वापस आ गए अपने हॉस्टल में. यहाँ पर चेकिंग करेंगे, बैग रखेंगे थोड़ा बहुत. हेलो एवरीवन, हमने हॉस्टल में चेक इन कर लिया. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर एक होंडा की कार देखी है जो साइड से दरवाज़ा खोलता है. इसमें होंडा ओडीसी करके एक है, इट्स अमेजिंग लग्जरियस कार. और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक पास में शिवा टेम्पल है वो देखेंगे. हमने ब्रंच काइंड ऑफ थिंग खा लिया है, इट वॉज़ हैवी. और उसके बाद हम जा रहे हैं और हमें एक फेलो इंडियन फ्रेंड मिल गया पीछे अपने, और सूरज उनसे बात कर रहा है कुछ. तो हम जा रहे हैं, यहाँ एक शिवा टेम्पल है वो देखेंगे. और उसके बाद हो सकता है हम लोग आज पोस्ट ऑफिस भी जाएंगे, पोस्ट ऑफिस अगर टाइम रहेगा. और एक बार फिर से हम लोग वापस आएंगे और कल हमारी दोपहर की फ़्लाइट है, उसके बाद वापस बैंगलोर. तो चलिए देखते हैं शिवा टेम्पल कैसा लगता है. लेट्स गो. करेक्शन गाइस, ये शिवा टेम्पल नहीं है, ये माता पार्वती जी का टेम्पल है. और यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, थाई में भी है. उसे पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि माता पार्वती जी का टेम्पल है ये. और शिवलिंग भी एक यहाँ पे बैठाया हुआ, लेकिन एज इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे शिवलिंग की पूजा भी की जाती है. ये रहा शिवलिंग मेरे पीछे, ये रहा शिवलिंग. शिवलिंग पता नहीं पूजा की जाती है और यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें यहाँ थाई में लिखी है तो पता नहीं चल रही है. बट इट्स वेरी पीसफुल, वन शुड मस्ट कम अगर आप यहाँ पे. नाउ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस. और सेंट्रल पोस्ट ऑफिस ये रहा मेरे पीछे, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था और ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड है. 1886 में इसको पहली बार बनाया गया था. उसके बाद थोड़ा बहुत रिनोवेशन चलता रहा इसमें हमेशा. बट ये एक लाइव पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ से आप अपनी कंट्री को एक पोस्ट भी भेज सकते हैं, अपने घर पे एक पोस्ट भेज सकते हैं. तो हम देखते हैं, हम घर अंदर जाते हैं और प्लान करते हैं कि मैं मॉम डैड को या फिर अपने फैमिली को यहाँ से एक पोस्ट भेजेंगे. चलिए अंदर देखते हैं कैसा लगता है. वेलकम बैक. और अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है लिटिल हनोई एग कॉफ़ी. ये बिल्कुल ही नेक्स्ट टू बस स्टेशन है. और इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि यहाँ पे एग कॉफ़ी मिलती है, मतलब कॉफ़ी जो एग योक से बनाते हैं, एग योक नहीं, एग वाइट से बनाते हैं. तो
यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिए, दो एग कॉफ़ी ऑर्डर किया है। देखते टेस्ट करने कैसा लगता है, पहली बार ही हम लोग एग कॉफ़ी खरीदेंगे। और एग कॉफ़ी का ट्रेंड ऐसे आया कि जब यहाँ पे वियतनाम में बहुत चल रही थी तो इनके पास दूध नहीं होता था, दूध की शॉर्टेज की वजह से इन्होंने एग वाइट से फिर कॉफ़ी बनानी शुरू कर दी और दैट गॉट पॉपुलर। सो वर्ल्ड में एग कॉफ़ी सबसे पहले वियतनाम में बनाई गई थी। और ये एड्रेस है लिटिल हनॉय एग कॉफ़ी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। यहाँ पे अगर आप हैं हो ची मिन्ह में, ये जस्ट बस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में एक कॉर्नर शॉप है, एक सेकेंड फ्लोर पे तुम बैठे और आपको बताते हैं कि कैसा लगता है कॉफ़ी। वेलकम बैक गाइस। और अभी मैं एक वॉलंटियर से मिला, शी इज़ फ्रॉम बेल्जियम, और ये यहाँ पे वियतनामीज किड्स को इंग्लिश और स्किल सेट्स के लिए उनको हेल्प करते हैं। दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, दे जस्ट कम हियर एंड हेल्प। सो आई विल लेट यू मीट लैला। हाय लैला, सो कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन? So, how you work? I'm from Belgium and mm-hmm. I'm from an organization whose the name is ISEC. Okay, ISEC, okay. And I'm in the volunteer project here in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City, and okay. And I actually teach English to kids, Vietnamese okay. kids. Okay, so like you, there are so many volunteers. Yeah. And everybody is helping with some kind of skill sets. Yeah. Right? Okay, so guys, if you are interested in volunteering in Vietnam, you can go ahead and check isec.org. Okay, yeah. isec.org. I'll put the link in the description, you can check. And she's Lela. Thank you. It was very Thank nice you. Meeting with you. Thank See you. You. And hopefully you get more volunteers and yeah, you're able so. To help more people. I hope so. Yeah, thank okay. You. Thank you so much. Out of this world. Egg coffee was so टेस्टी, बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था कि इसमें एग है और एग से बनी हुई है, बिल्कुल भी ट्रेसेस नहीं थे एग के। तुम्हें कैसे लगी एग कॉफ़ी? एग कॉफ़ी एंड कंडेंस मिल्क कॉफ़ी भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, 10 out of 10। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मौसम देखो, बारिश ही बारिश होती है। अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल, लग चुके हैं 5 दिनों क्योंकि हम लोग लगातार घूम ही रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड अब तक आपने अगर वीडियो देख लिया तो डोंट फॉरगेट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है हमें। हमारे साथ इसी तरह घूमते रहिए, प्रॉपर देखते रहिए, इसी अमेजिंग वीडियोज के लिए आप लोग हमारे साथ बताते रहिए। उसके लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।